नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके और हमारे चैनल ऑल इन वन ट्रिक पीके में। दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाले हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि आप किसी मतलब ऐसे जगह पर चले जाते हैं जहां पर कंप्यूटर या लैपटॉप आपके पास नहीं होता है, और अगर आप चाहते हैं किसी का मदद करना, मतलब जैसे किसी का कंप्यूटर ख़राब हो गया है और आप चाहते हैं ऑनलाइन उसका कंप्यूटर ठीक करना, वो भी मोबाइल से, तो वो आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए और थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिए। और दोस्तों अपने दोस्त का मोबाइल भी आप इस एप्लीकेशन के, एक एप्लीकेशन है उस माध्यम से आप मोबाइल से ही अपने दोस्त का मोबाइल ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। और दोस्तों बता दें कि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बताते कि इस एप्लीकेशन का नाम है एनडिस्क, जो कि एनडिस्क का नाम आप सुने होंगे। जैसे कंप्यूटर या लैपटॉप में आप देखे होंगे कि एनडिस्क से किसी दूसरे के कंप्यूटर को आप अपने घर बैठे उस कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं, वैसे ये मोबाइल में भी ये एप्लीकेशन आ चुका है, आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से सीधे डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन करना है, ओपन करने के बाद कुछ परमिशन मांगेगा तो आप परमिशन दे दीजिएगा। परमिशन देने के बाद कुछ इस प्रकार का खुल जाएगा, आप इधर साइड में देख सकते हैं। उसके बाद आपको ये जो नंबर शो हो रहा है, ये नंबर जो भी एप्लीकेशन होगा जहाँ भी होगा वहाँ पर ये शो होगा। तो अगर आपको एक्सेस करना है तो नीचे वाले बॉक्स में आपको किसी दूसरे का नंबर डाल के और आप उसका कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही छोटी सी जानकारी देनी थी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए। और दोस्तों बता दें कि अगर आपको पूरा अगर करने नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, हम आपको इस पर एक और भी वीडियो बना कर दिखा देंगे, वो भी लाइव करके दिखाएंगे। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो समझ में आएगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।